आपको सवाल दिया है कि एक चालक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड में बहती है, तो कह रहा प्रकलित कीजिए तार में आवेश तथा तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सवाल बहुत सिंपल दिया है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा 30 सेकंड तक बहती है, जो तार में जो धारा बह रही है, 20 धारा जो आई है 20 माइक्रो एम्पियर 30 सेकंड में बह रही है, कह रहा तो तार में प्रवाहित आवेश आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है केवल। तो आप शोध पढ़ चुके हो, क्यों बराबर आई टी, क्यों क्या है आवेश, आई क्या है धारा है और टी क्या है समय है। तो क्यों आवेश आपको क्या करना है ज्ञात करना है, तो आई कितना है धारा कितनी है 20 एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को हम 10 की पावर कितना कर दें -10 की पावर -6 एम्पियर, और समय कितना दिया है 30 सेकंड, 30 सेकंड क्यों बराबर, हम क्या करें 20 और 30 की गुणा करोगे तो 600 आ जाएगा -10 की पावर -6। फिर देखो क्यों आवेश उसी तरीके से रहता, हम 6 जो 600 लिखा है उसको लिख सकते हैं 6 × 10 की पावर 2 100, और 100 की ज्यों ही आप गुणा करोगे त्यों क्या हो जाएगा 600 × लिखा है 10 की पावर -6। आवेश उसी तरीके से रहेगा, क्यों बराबर 6 भी उसी तरीके से गुणे, और देखो माइनस का 6 लिखे हैं, 6 जीरो में से 2 जीरो घट जाए कितने बचेंगे, तो 10 की पावर -4। तो आपको आवेश पता चल गया कितने कूलाम है, आवेश आवेश पता चल गया। तो कह रहा चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम फटाक से चालक में, तो हम सूत्र पढ़ चुके हैं क्यों बराबर यानी आपको एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी पता होता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। आपको ये भी पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आवेश भी आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी पता है, चालक में इलेक्ट्रॉनों से क्या पता नहीं, जो चीज पता नहीं जो होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो यह निकला बाहर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q/E, यन बराबर आवेश कितना दिया है 6 × 10 की पावर -4 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपको पता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, यन उसी तरीके से रहेगा 6 भी उसी तरीके से, अपॉन पॉइंट हटा दो जीरो बढ़ा दो 60 × 10 की पावर -4 -19 देखो बटे में ऊपर जाएंगे कहाँ में हो जाएंगे प्लस में, तो प्लस में 19 अपॉन कितना बचा 16, यन बराबर 60, 19 में से 4 घटा दो कितने बचेंगे 15 × 10 की पावर कितने जीरो 15 जीरो अपॉन 60। अब आपको क्या करना है इसको काट दो, देखिए 2 8 16, 2 3 6 2 0 0, 2 4 8 2 1 2 2 5 10, अब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 4 से हम भाग दे देंगे 15 को, 4 3 12 कितने बचे 3 बचे, हमने क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया 0, 4 5 20 10 बचे, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, फिर देखो फिर लग जाएगा ना 0, 4 2 8 फिर 2 बचे, फिर लगा देंगे 0 बढ़ा 4 5 20, भाग तो आप सभी को आता है ना, यन बराबर आप जब 15 को 4 से जब भाग देंगे 10 की पावर 15 जब इसको भाग देंगे आप सभी लोग, तो आपका आंसर यन बराबर आ जाएगा 3.525 × 10 की पावर 15। आपको पता हो गया चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, यही आपका आंसर है। आप आशा करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे, देखो बहुत सिंपल सवाल है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा है, धारा जो आई बह रही है कितनी 20 माइक्रो एम्पियर, फिर कह रहे कितने सेकंड, तो कह रहा 30 सेकंड में धारा जो बह रही है, तो प्रकलित कीजिए, सवाल को कह रहा प्रकलित कीजिए, बताइए कि तार में प्रवाहित आवेश, तो आवेश आपको पता नहीं था, हमने आवेश भी बता दिया कितना है 9 × 6 × 10 की पावर -4, फिर कह रहा तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर दें। हमारा वीडियो अच्छा लगा है, थैंक यू, धन्यवाद।